तो टैग करो उन दोस्तों को जिनका महीने में 10 बार ब्रेकअप ही होता है, कि 1000 बार वो रूठती है, 1000 बार वो खफा होती है, 1000 बार वो रूठती है, 1000 बार वो खफा होती है, और ब्रेकअप के बाद हर दोस्त कॉल करके यही कहता है, तू सच कहता था मेरे यार, औरत बेवफा होती है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार, मैं तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। साला घंटा लड़की बटेगी मुझसे, तारीफ से ज्यादा तो बेइज्जती कर देता हूँ मैं। सुनो हाँ? बेटी शहजादी होगी, बेटा नवाब होगा, मुझसे शादी कर लो, बड़ा सवाब होगा। प्लेट में समोसा, समोसे में आलू, तेरी जैसी शक्ल का मैं कुत्ता भी ना पालूं। मेरे पापा कहते हैं स्कूल में कभी लड़की मत पटाना, तो मैंने मैडम पटा ली। सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इसीलिए गुटखा खाएं और अजय देवगन की तरह बॉडी बनाए। धन्यवाद। के रोया वो उनकी लाश से लिपट कर इस कदर, ये लाश भी खुद उठकर बोली, ले तू मर जा पहले, चिपटा ही जा रहा बिल्कुल, होश ही न ले रहा। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। चल मत कर। पक्का नहीं करूंगी। हाँ हाँ मत कर, चल। मैं तुम्हारा कहा क्यों मानू, गुलाम हूँ तुम्हारी, मैं तो करूंगी। गलती हो जाने पर सॉरी बोल देने से इंसान छोटा नहीं हो जाता, मैंने देखा है ना आपके। क्या आप मुझसे कभी मिले हो? नहीं ना, अच्छे लोग इतने आसानी से थोड़ी ना मिलते हैं। ये वाला वीडियो अपनी बहन को जरूर दिखाना, कि मेरे पास खुशियाँ कम पड़ गई है उसे बांटने के लिए, मेरे पास खुशियाँ कम पड़ गई है उसे बांटने के लिए, और जब वो अपने प्यारे हाथों से रोटियां बनाती है तो दिल यही कहता है, आरी मिलेगी काटने के लिए। किसी चांद को अपना बनाने से पहले ये जरूर देख लो कितने ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। कहते हैं खूबसूरत लोगों को देखने से उम्र बढ़ती है, अब पता नहीं आप लोगों के पास मेरी फोटो है या नहीं है। भाई सेव, उन्हें भी हैप्पी गुरु पूर्णिमा, जो मेरे दोस्त दिन रात ज्ञान पे ले। लड़कियों से मेरा निवेदन है कि फोटो को फिल्टर में रहने दो, फिल्टर ना हटाओ, फिल्टर हट गया तो तुम्हारा बाबू डर जाएगा। ओए बेस्टी, मेरे को ना तेरी बहुत सारी तारीफ करनी है, तू इस दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है, ऐसा बोलना है, पर मैं नहीं बोल पा रहा हूँ यार। क्योंकि मेरे को पता है ना, तू अंदर से एक नंबर की कमी नहीं है। लाइफ में थोड़ा एडवेंचर लाओ, अपनी लव स्टोरी को अपने पापा को भी बताओ। एक बात पूछनी थी, शादी के बाद बीवी सच में पीटती है क्या? कितनी मतलबी हो गई है मेरी आंखें, उसे फोन के सिवा कुछ और दिखता ही नहीं है। दिल चाहता तो है उसको गालियां देना, मगर मैंने गणित से सीखा है एक्स का मान रखना। अरे मैं सिंगल था, सिंगल हूँ और सिंगल ही रहूंगा, हे कोई पापा की परी जो मेरा घमंड तोड़ सके। एक तो सब काम धंधा छोड़ के लड़ाई देखने जाओ, और ऊपर से लोग ये कह देते हैं कि चलो चलो भीड़ मत लगाओ। अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं होता तो कुछ लड़कियों और आंटियों को तो पता ही नहीं लगता कि वो ऑसम नाइस और ब्यूटीफुल हैं। क्या उनकी गली से जब मैं गुजरा तो चौबारा नजर आया, वाह। उनकी गली से जब मैं गुजरा तो चौबारा नजर आया, और जब देखा उसकी माँ ने तो बोली, हाथ पैर तोड़ दूंगी जो दोबारा आए नजर आया। वो कहती थी तुम मुझे भूल नहीं पाओगे, पर उस पगली को कहाँ पता था कि घर वाले 4 सामान के लिए भी मुझे लिस्ट बना कर देते हैं। कभी ये सोचकर दिल छोटा मत करना कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजों को भी कहाँ हिंदी आती है। ये मेरा भाई है, ये मेरी जान है, इन दोनों का एडमिशन कराने जा रहा हूँ आनीबाड़ी में। आज की दुनिया में गरीब वही है जिसके पास धन दौलत नहीं है, आपको क्या लगा यहाँ पे मैं ज्ञान बांटूंगा? सरकार कहती है पेड़ लगाओ, और मैंने पेड़ लगाया तो पुलिस पकड़ के ले गई। ऐसा कौन सा पेड़ लगा दिया? गांजे का पेड़ लगाया था। ना वो गलत थी ना मैं गलत था, गलत तो वो था जो फोन नंबर उसने दिया था। घर वाले मर्जी से बाल काटने नहीं देते,
तो शादी क्या मर्जी से घंटा करने देंगे। अच्छा है फोन बैटरी से चलता है, नहीं तो हम पेट्रोल भरवाते भरवाते पागल हो जाते। कभी आंखों में जलन हो तो मम्मी से मत कहना, वरना तुम्हारे मोबाइल की बहुत बदनामी होगी। आपका 100 रुपया हुआ मैडम। भैया सही सही रेट लगाओ, हमेशा यही से सामान लेकर जाती हूँ मैं। भगवान से तो डरो बहन, आज ही दुकान खोली है। आज के टाइम में सबसे सख्त लौंडा गोलगप्पे वाला है। लड़की कितनी भी स्माइल दे, बंदा अपनी गिनती नहीं भूलता। अगर तुझे बर्थडे पार्टी ही नहीं देनी थी तो पैदा ही क्यों हुआ। भैया तुम्हारे घर वाले कहते होंगे गुड नाइट, हमारे घर वाले तो नहीं कहवे। ए हरोम जादे सो जा, दिन रात या फोन में ही लगो रहवे। जो पुरुष प्यार में पड़ जाता है वो कहीं भी पड़ा मिल सकता है। दिमाग की तो बात ही ना करो यार, अभी अभी एक लड़की राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट में मोड़ गई। एक्सीडेंट होने से बच गया आज। उसने मुझसे कहा बाबू तुम अच्छे लगोगे दाढ़ी में। अब उसे कैसे समझाऊं, दाढ़ी तो मेरे आती नहीं क्योंकि अभी मैं पढ़ता हूँ। अगर आपको कोई पागल कहे तो उस पर जरा भी गुस्सा मत होना, बस अकेले में जाकर ये सोचना कि ये बात लीक कैसे हो गई। भैया ये जो छोरी विदाई के टाइम पे नो रोती, इन्हें पता होवे कि बर्तन तो पति ही मौंज रहे है। पेन भी है, बुक्स भी है, नोट्स भी है और एग्जाम्स भी है, बस अब शर्म का इंतजार है। एक बार वो आ जाए तो मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। तुम्हें लड़कों की अच्छाई क्या बताऊं मैं, हम लड़के कभी भी लड़कियों को खुद से ब्लॉक नहीं करते। आने वाली पीढ़ी की ऐसी तैसी होना तय है क्योंकि उनके मार्गदर्शन हम होंगे। बेबी हाँ, तुमने मेरे हाथ का खाना खाया आज, बताया नहीं कैसा लगा। यार तुम लोग खाने में नमक नहीं डालते क्या? यार वो ना सब्जी जल गई थी तो बाद में नमक छिड़क देते। हमारे यहाँ जले पे नमक नहीं छिड़कते। की लैला ने कहा मजनू के कान में। इरशाद की लैला ने कहा मजनू के कान में। अरे भाई क्या बोला ये तो बता। यार कान में बोल रही थी, सुना ही नहीं। अरे भाई क्या सोच रहा है यार। भाई बारिश भी हो गई, हाँ सड़कें भी भीग गई, हाँ और तुझे तो पता ही है कि मैं सिंगल हूँ। हाँ पता है, तो ये बता कि मैं इन भीगी भीगी सड़कों पे इंतजार किसका करूँ। बात तो ठीक। आज मेरे घर वालों ने भगवान से खुशी मांगी है तो मुझे अब जल्दी से जल्दी खुशी को पटाना पड़ेगा। फ्यूचर के लिए सपने क्या खाक देखूंगा, घर वाले नींद पूरी होने ही नहीं देते। एक दिन जरूर आएगा क्योंकि एक साथ दो दिन नहीं आ सकते ना। भाई हाँ, आज तेरा भाई भी करोड़पति होता, पूछ कैसे। कैसे? बस एक करोड़ नाम की लड़की मिल जाती। दोस्तों तांबे के बर्तन में पानी भर ले और फिर 3 दिन बाद उसे अपने सर पे डाले, मैं यकीन से कह सकता हूँ आपके बाल गीले हो जाएंगे। किसी प्यार में पड़ी लड़की को कहीं घुमाने भी ले जाओ ना तो वो भी नल का पानी नहीं बिस्लेरी का पानी मांगती है। थोड़े जल्दी कामयाब कर दे भगवान, वरना मेरे वाली को कोई सरकारी नौकरी वाला उठा ले जाएगा। टाइम बताएगा मेरे भाई, कितने बज रहे हैं हम ना बतावे। काजल के बाप को तो पटा लिया था मैंने, पर वो पद्दो काजल नहीं पटी। सोच समझ कर मोहब्बत कीजिए जनाब, सुना है रिचार्ज महंगे हो गए हैं। जिस घर में बर्तन धुलने की आवाज ना आए तो समझ जाना कि उस घर के बर्तन महिला नहीं कोई पुरुष धो रहा है। जाने वाले को मत रोको, जाने दो, और हाँ पीछे से एक लात और मार दो। इश्क की किताब हमने भी पढ़ी है मुर्शद, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा कि रिचार्ज कराना पड़ेगा। आज उसने कॉल करके मुझसे माफी मांगी, बोली सॉरी गलती से लग गया। इस दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं, कोई हंसता है तो कोई रोता है,
पर सुखी वही इंसान होता है जो रात को दो पैग लगा के सोता है। स्टोरी पे सैड स्टेटस लगाना बंद कर दो भाई, अब तो मुझे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड की याद आने लगी। नाम में क्या रखा है साहब, आकाश नाम का लड़का भी जमीन पर नौकरी के लिए थक्के खा रहा है। प्यार तो सभी करते हैं मेरे दोस्त, पर तुम पढ़ाई करो आगे काम आएगा। पप्पू की हुई मास्टर से लड़ाई, मास्टर ने की पप्पू की पिटाई, पप्पू का हुआ गरम खून, गया कब्रिस्तान और मास्टर की फोटो टांग कर लिखाया कमिंग सून। तो अर्ज किया है दोस्तों के लिए, उनको टैग कर देना कि आज तक मैंने भरोसा किया है सिर्फ तेरे पे ही ना, आज तक मैंने भरोसा किया है सिर्फ तेरे पे ही ना, और तू शरारत करता है तो यही सोचता हूँ कि साला मेरा बेटा है तो जाएगा मेरे पे ही ना। शाबाश बेटा। अमीर दिखने के लिए जरूरी नहीं कि आप हमेशा सूट बूट में ही रहो, आप चाहो तो 4-5 साल पुरानी फटी हुई जींस भी पहन सकते हो। बंदी को खोजने निकले, बंदी मिले ना कोई, भैया भैया सब कहे, सैया कहे ना कोई। सुनो, तुमने तो कहा था खाने में दो ऑप्शन होगे, पर तुमने तो एक ही सब्जी बनाई है। दो ही तो ऑप्शन है, या तो खाओ या तो मत खाओ। हे भगवान, जब गर्लफ्रेंड ही नहीं देनी थी तो इतना हैंडसम क्यों बनाया मुझे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हर मंगलवार हनुमान चालीसा का जाप करता हूँ ना, इसलिए सिंगल हूँ, सारी चुड़ैले दूर रहती है मुझसे। कल मैं मेट्रो में था और मेरे साथ वो भी थी, वो बात अलग है, मुझे दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन उसकी आवाज आ रही थी, कृपया दरवाजे से दूर हटकर खड़े। लड़की होना भी आसान नहीं होता यार, तैयार किसी एक के लिए होती हैं और पूरा मोहल्ला इंप्रेस हो जाता है। और बताओ, गर्मी में नहाना स्टार्ट कर दिया या अभी भी वही सर्दी वाला चल रहा है 2 महीने में नहाने का सीन। बात तो सब करते हैं, आओ तुम और मैं मारपीट करते हैं। अगर पैदल छोड़कर चलना है तुम्हें गाड़ी में तो पढ़ना पड़ेगा ना मेरी जान। ओए बेस्टी, तेरी लाइफ की आखिरी विश क्या है? मेरे को तेरी किडनी बेच के आईफोन लेना है। सब लड़कियों का सपना है कि उनकी शादी एक अच्छे लड़के से हो, अब मुझे समझ नहीं आता मैं किस किस लड़की के सपने पूरे करूं। गुड्डे बिस्किट खाया था फिर भी दिन अच्छा नहीं गया। क्या हुआ मुबिन, तुम इतने उदास क्यों हो? यार कोई भी लड़की मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, क्या मेरी शक्ल बुरी है? नहीं मुबिन, तुम्हारी शक्ल बुरी नहीं है, बहुत बुरी है। कोई किसी का नहीं होता, ये कहकर किसी और की हो गई वो। जिंदगी में मुझे भी खुशी चाहिए पर क्या करूं, खुशी का बाप नहीं मान रहा। चॉकलेट मिलने के बाद वो कुछ इस तरह मुस्कुराई जैसे भैंस को चारा मिल गया हो। जिन लड़कियों की सुबह आंख नहीं खुलती वो अपना नंबर मुझे दे दे, मैं उठा दिया करूंगा। अब समय आ गया है दोस्तों, आपसी मतभेद भुलाकर सब एकजुट हो जाओ और मेरे लिए लड़की ढूंढो। भैया घर में हमेशा फूल झाड़ू खरीद कर लाओ, बीवी मारेगी भी तो लगेगा फूल से मार रही है। ये वाला मेरे सारे सिंगल भाइयों के लिए कि अगर गलती किया है तो शर्मिंदा होनी चाहिए, अगर गलती किया है तो शर्मिंदा होनी चाहिए, और जब कोई पूछता है कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए तो हम यही कहते हैं, लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है यार। काम ऐसा करो के लोग कहे 150 रुपया देगा। मुझ में टैलेंट तो इतना है कि पूरी दुनिया हिला सकता हूँ, बस अभी थोड़ा बिजी हूँ आपकी भाभी की तलाश में। कोशिश तो बहुत की समझदार बनने की, पर खुशी हमेशा पड़ोस में ही मिली। ये बड़ी, आज मैंने 2 कसमें खाई, पहली मैं किसी भी पराई लड़की पे नजर नहीं मारूंगा और दूसरी मैं किसी भी लड़की को पराई नहीं समझूंगा। बेबी हाँ? तुम मुझसे कितना प्यार करते हो?
जितनी तेरी हाइट है। मतलब शुरू होते ही खत्म। बेबी हाँ, तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हुआ? गलती से। भैया जब हम रात में फोन चला रहे हो वे तो औरन की मम्मी कहवे, सो जाओ बेटा बहुत रात हो गई है, और हमारी मम्मी ए हराम जादे सो जा, ससुरे के फोन दीवार में फेंक के मारूंगी। कुछ लोग इतने शरीफ होते हैं कि पत्नी को चाहते हैं, और कुछ तो इतने शरीफ होते हैं कि अपनी ही पत्नी को चाहते हैं। अगर सुबह का भूला शाम को बिना पिए घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, पत्नी का गुलाम कहते हैं। छू लो आसमान जमीन पर रहकर, अपनी मेहनत से ऐसी सीढ़ी लगाओ, चलो ये सब छोड़ो एक बीड़ी लगाओ। मैं जब चाहूँ तब भाग के शादी कर सकता हूँ, बस समस्या ये है कि भाग कर शादी करने वाले भी तो चाहिए ना। नू कह रही लव मैरिज करेंगे, मैन की घर के अपनी मर्जी से बाल तो कटवाने न देवे, लव मैरिज जब करेंगे। प्लीज मेरी बात तो सुनो जोया, इस बात को 3 साल हो चुके हैं मुमिन, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। कुछ नहीं हो सकता, मैं जारा स्टोर में मैनेजर हूँ और आज 50% ऑफ है और इम्प्लॉइज के लिए 70%। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना 3 साल कैसे रही थी? मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला है, कोई करवा रहा है या बनाओ एंजल प्रिया के नाम पे आईडी। रोज रोज बात करने से अंडरस्टैंडिंग का तो पता नहीं, पर हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हो जाती है, और बात ना करो तो अंडरस्टैंडिंग कहीं और ही हो जाएगी। तारीफ करे बिना कोई लड़की खुश नहीं होती, और झूठ बोले बिना किसी लड़की की तारीफ भी नहीं होती। करे तो करे, कभी कभार कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, बहाना मारना पड़ता है, जैसे मैंने ऑनलाइन क्लास का बहाना लेके घर वालों से फोन खरीदवा लिया, बिल्कुल नया का नया। भैया आज भाभी के लिए कुछ ले जाए। भाभी के लिए? हाँ भैया। कि उसके आने से ही दिल में बजने लगी मेरे घंटी है। क्या बात है, उसके आने से ही दिल में बजने लगी मेरे घंटी है, और वो सिर्फ मेरी है, इस बात की कोई गारंटी है? अगर गर्मियों में गर्मी लगे मेरा भाई तो समुंदर किनारे आके बैठ जाने का मेरी जान। अरे जिंदगी खराब हो गई है तो अभी चलेगा, लेकिन मोबाइल नहीं खराब होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। मैं रिश्तेदार उनके घर गया, रिश्तेदार पूछ रहे और बेटा कैसे आए? मैंने कि जी पेरेंट है, ससुरे ने घर तक भगा दियो। स्त्री और मिस्त्री दोनों एक जैसे ही होते हैं। हाँ सही कहा, अगर दोनों ही खुश ना हो तो घर बिगाड़ के मानते हैं। तो ये वाला वीडियो अपनी बहन को जरूर दिखाना कि तूने खाने को बोला हम फंस गए तेरे जाल में, तूने खाने को बोला हम फंस गए तेरे जाल में, और तेरे हाथ का खाना खाने के बाद 4 ही दिन तो रहना पड़ता है अस्पताल में। सबको देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा, बस एक बार मेरे चश्मे का नंबर ठीक होने दो। हाँ ओए बेस्ट फ्रेंड, लड़कों की इतनी सारी फीमेल फ्रेंड्स होती है और तेरी सिर्फ मैं हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी बेस्टी 100 पे भारी है। ओह थैंक यू, इसीलिए बोलता हूँ वेट कम कर ले मोटी। कभी भी शादीशुदा व्यक्ति के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए कि वो घर जा रहा हो उसकी साइड पर बिंदी चिपका दो, गलत बात है। उस आदमी से तेज कोई नहीं भाग सकता मेरे भाई, जिसको दुकानदार ने ज्यादा पैसे दे दिए हो, आ मेरी जान। चाहे कितना भी माउंटेन ड्यू पी लो, जब डर से फटती है ना तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ही याद आएगा। हाँ क्या कह रही थी तुम? बाबू एक लड़के ने मुझे प्रपोज करा। उसे अभी ब्लॉक करो। ओके बाबू। भैया वो कह रहा है आईफोन दिलाएगा। हो दो के बाद। ये प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा, जो रखा है तुम्हारे फ्रिज में रखा है, खाओ पियो और मजे लो। दाई खाओ दाई। शक्ति बढ़ाओ। मुस्कान नाम था उसका, नुकसान करके चली गई। चाइना में कोई एक दूसरी गर्लफ्रेंड से नहीं जलता, क्योंकि सबकी गर्लफ्रेंड सेम होती है।
नमस्कार दोस्तों, अगर आपका हाथ पकड़कर चलने वाला कोई नहीं है तो परेशान मत होना दोस्तों, आप अपना हाथ जेब में डालकर भी चल सकते हो। ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कियां जिंदगी भर खाती रहती है पर उनको पता नहीं होता? सुनो, भगवान पूरी दुनिया में से तुम्हें एक चीज चुनने को बोलेगा तो तुम क्या चुनोगे? दारू। दारू बदनामकारी। एक बात समझ नहीं आ रही, ये प्यार में पड़ी लड़की अपने सहेली के घर कुछ ज्यादा ही जाने लगी है। कल टूटता तारा देखकर गर्लफ्रेंड बनाने की विश मांगी। अच्छा भाई, फिर क्या गर्लफ्रेंड बनी? नहीं, तारा वापस जुड़ गया। अगर मैं पहाड़ों में जाकर आई लव यू चिल्लाऊं तो पहाड़ों से भी आवाज आती है कि भाई तेरे से ना हो पाएगा, घर जा। मेरी कुंडली में लिखा था कि पत्नी से प्रेम मिलेगा, पर किसकी पत्नी से मिलेगा ये नहीं लिखा था। जितना करो कम नहीं होता। मैं अपने दोस्तों की तारीफ इसलिए भी नहीं करता क्योंकि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। सुनो, ये करवा चौथ के अलावा और कौन सा व्रत है जिससे पति की उम्र बढ़ती है? मौन व्रत। अगर मेरा जन्म ही नहीं हुआ होता तो तुम लोगों को पता ही नहीं चलता कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। बेबी देखो, मेरी दोस्त 5,000 की ड्रेस लाई। दिखाओ। अरे झूठ बोल रही है ये, 500 की दिलाई है मैंने रविवार में से कर ली। कल हम दोनों डेट पर गए थे, उसे लगा मैं खर्चा करूंगा, मुझे लगा वो खर्चा करेगी और इसी तरह पहले ही दिन हमारा ब्रेकअप हो गया। आजकल गुड नाइट शब्द अच्छी नींद के लिए कम, पीछा छुड़ाने के लिए ज्यादा यूज होता है। गुड नाइट बोलो और बात खत्म। सुनो। हाँ? मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। पर क्यों? तुम मेरे जैसी नहीं हो। तो गधे, मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, बहन नहीं। ब्रेकअप। अगर आप चाहते हैं कि लड़कियां खुद अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाए तो मेहंदी लगाने का काम शुरू कर दो। अरे तू इतना परेशान क्यों है? यार मेरा ब्रेकअप हो गया। क्यों? यार मैंने ना उसको चेन गिफ्ट की थी। अच्छा, सोने की या चांदी की? साइकिल की। अभी अभी गलती से 4 से 5 बादाम खा लिए और अब 9th क्लास वाली गर्लफ्रेंड की याद आ रही है। दोस्तों, आज हमारी गली में एक दर्दनाक घटना हुई। एक बच्चे ने अपने पापा के तकिए के नीचे से बीड़ी का बंडल निकाल के पी लिया। आईफोन लेना है दोस्तों, कोई अच्छा सा हॉस्पिटल है तो बताओ। औरतें शादी के बाद गहने पहनती है ताकि लोगों को पता चल सके वह शादीशुदा है, और आदमियों का क्या है, उनके तो थोबड़े से ही पता चल जाता है कि वो शादीशुदा है। किसी को हार्ट का ऑपरेशन करना है तो मुझसे संपर्क करे, मैंने कल ही सीखा है यूट्यूब पर देखकर। गोली मार दे मुझे। हाँ वो तो ठीक है, पर ये तो बता तेरे सर दर्द है या पेट दर्द है? एक अवार्ड उन बीवियों को भी मिलना चाहिए जो दिन भर पटर 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 करके भी आखिर में कहती ही है मेरा मुंह मत खुलवाओ। तो फाइनली मेरी मम्मी ने मेरे को ओवरसाइज टी शर्ट दिलवा ही दी ताकि अब मैं 3-4 साल तक यही पहनूं। जो लोग ये कहते हैं कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, उन लोगों से एक विनती है, कृपया बारिश जरा कम करा दो यार, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। सुनने में आता है हमको कि आप बड़े डिमांड में रहते हो लड़कियों के मामले में। हाँ, वो लिपस्टिक और नेल पॉलिश बेचा करा है ना। हाय। ओ हाय, कैसे हो? हम तो वैसे हैं जैसे पहले थे, मतलब कंगाल। मैंने भी दिल लगा कर देख लिया, अब सर पे बाम लगा के सोना पड़ता है। पूछता है भारत, जो लड़कियां अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर नहीं दे सकती वो जिंदगी भर साथ क्या घंटा देगी? पत्नी ने पति से बोला कि हमारी लड़की किसी से सेट हो गई है, तो पति पूछता है कैसे, तो पत्नी जवाब देती है कि काफी दिनों से रिचार्ज के लिए पैसे नहीं मांगे। हाँ यार, गर्मी बहुत हो रही है ना। हाँ यार, गर्मी तो बहुत है। ए भगवान, थोड़ा मौसम ठीक करवाओ, इतनी गर्मी करवा रहे के नीचे। अबे रुक जा,
तेरे घर पे ही बादल फटवाता हूँ। अरे ना ना ना। एक औरत आपके साथ गरीबी में रह लेगी, परेशानी में रह लेगी, लेकिन बिना लड़ाई किए नहीं रह सकती। भाई तुझे जिंदगी में क्या चाहिए? पैसे। पैसे को रख दे साइड में, अब बता तुझे जिंदगी में क्या चाहिए? साइड में रखे हुए पैसे। दूर रहे गरम से, हम एक एक हफ्ता तक न नहावे। मुझे मेरा फ्यूचर बनाना है, ये कहकर मुझसे ब्रेकअप कर गई। आज 5 साल बाद उसका मैसेज आया, मेरे लिए भी कोई जॉब ढूंढो ना। वह बदमाशी तो हमारी भी चलती थी मित्र, बस एक दिन कोई धर के कूट गया, उसी दिन से छोड़ दी। सोचा था कल सुबह उसको प्रपोज करूंगा, उसने रात को ही मुझे ब्लॉक कर दिया। किसी को पैसा उधार दो और उसकी जिंदगी में आने वाली तरह तरह की समस्या की जानकारी फ्री में लो। पैसे दे दो भाई, पटाने को तो तेरी बंदी भी पटा लो, पर तू दोस्त है मेरा। Excuse me. Yes. Actually, मेरा ना फोन गुम हो गया है, आप प्लीज मेरी हेल्प करेंगे? मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, अपना नंबर बताइए। मैं अपना नंबर क्यों दूँ तुम्हें? अरे फोन गुम हो गया है ना तुम्हारा, तो तुम्हारे नंबर पे कॉल करूँगा, शायद आसपास हो मिल जाए। मुझे तुमसे मिले हुए 2 मिनट नहीं हुए, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, और तुम्हें अपना नंबर दे दूँ? तो मत दे नंबर, मुझे की जरूरत है तेरे नंबर की? वो तो तेरा फोन गुम हो गया था इसलिए तेरा नंबर मांगा। तुम लड़कों को ना वैसे भी बहाना चाहिए हम लड़कियों का नंबर लेने का, और वैसे भी भाई साहब आई हैव अ बॉयफ्रेंड। बेस्टी, कोई तो खास बात है तुम में, मैं जितना तुम्हारे करीब आता हूँ तुम उतना ही बात मारती हो। फेसबुक और इंस्टा की जगह मेरे पापा OLX पर मेरी फोटो अपलोड कर रहे। आखिर वो घड़ी आ ही गई जो मैंने अमेज़न से बुक की थी। तो भाई, जिन भाइयों से लड़की सेट नहीं हो पा रही है, देखो बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौका है, सालो डूब मरो। तुमसे लड़की, साइंस कहती है कि पानी को उबालने से उसके कीटाणु मर जाते हैं, लेकिन साइंस को ये नहीं पता कि मरे हुए कीटाणु की डेड बॉडी तो पानी में रह जाती है। ये मैंने ली नहीं साइंस, कॉमर्स ली। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरे हिस्से का प्यार किसी गलत एड्रेस पे तो डिलीवर नहीं हो गया है। तुमसे किसी ने ये बोला है कि तुम बहुत खूबसूरत हो? नहीं। तुमसे किसी ने ये बोला है कि तुम्हारी आंखें बहुत नशीली हैं? नहीं। तुमसे किसी ने ये बोला है कि तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है? नहीं। देखा, किसी ने तुमसे झूठ नहीं बोला ना, दुनिया में खामुखा लड़के बदनामे के लड़के झूठ बोलते हैं। तो अगर आपके दोस्त का ब्रेकअप हुआ है तो ये वीडियो उसको सेंड कर देना कि धोखा मिलता है प्यार में, इसमें किसी की चलती कहाँ है? धोखा मिलता है प्यार में, इसमें किसी की चलती कहाँ है? और क्या कहा उसने, तेरी शक्ल गंदी है। अबे सही तो कहा, इसमें उसकी गलती कहाँ है? गजब बेइज्जती। फॉर्चुनर गाड़ी लेनी है, लेकिन पैसे सिर्फ फॉर्चून तेल के ही पड़े हैं जेब में। ससुराल वाले सब कुछ पूछ लेंगे, लेकिन ये कभी नहीं पूछेंगे कि बेटा हमारी लड़की के साथ खुश तो हो ना। जब तक जिंदगी है डीपी बदल ले करो, बाद में तो एक ही फोटो में लटके रहना, वो भी बालकन ने लगाई तो। तुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे प्यार में जी और मर सकता हूँ, फिर भी अगर तू नहीं मिली मुझे तो कोई गम नहीं, यही फॉर्मूला मैं दूसरी पर भी ट्राई कर सकता हूँ। मेरी बहन बोलती है कि रक्षाबंधन आ रहा है, क्या गिफ्ट दोगे? फिर मैंने भी कह दिया 150 रुपया देगा। तो ये वाला मेरे प्यारे दोस्त के लिए कि दिल से याद करना कभी, ये बंदा सीधा फोन करेगा। दिल से याद करना कभी, ये बंदा सीधा फोन करेगा। और तुझे पता है मैं तेरी इतनी फिक्र क्यों करता हूँ? अबे बाप से ज्यादा बेटे की चिंता इस दुनिया में कौन करेगा। कल कटे सो आज कटे, आज कटे सो अब, कटने से डरता रहेगा तो लड़की पटाएगा कब? आखिरकार शादी के कार्ड पर हम दोनों के भी नाम छप ही गए, उसका अंदर और मेरा बाहर। मोहब्बत थी इसीलिए जाने दिया, जिद होती
तो रिचार्ज के पैसे भी वापस ले लेता। हाँ एक बात बता, सुबह तू कितने बजे उठता है? 10 बजे। जल्दी उठ जाया कर, सूरत उससे पहले निकल जाता है। तो सूरत उनसे पहले सो भी तो जाता है। कृपया करके ये लड़के लड़कियों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि फ्रेंडशिप की डेट निकल चुकी है, अब सिर्फ रक्षाबंधन के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो रोज कहती थी फोन मत करो पढ़ाई कर रही हूँ, आज वो भी फेल हो गई। वो मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त उसे भाभी कहकर पुकारते हैं, मेरे लिए उतना ही काफी है। यार मेरे बॉयफ्रेंड का जन्मदिन है, के गिफ्ट दूं? कितने साल का है? 14 साल का। उसकी स्कूल की फीस भर दे। लड़कियों को 20 साल तक पहुंचने में कम से कम 30 से 40 साल लगते हैं। अबे मैं तेरे लिए कल राखी लेकर आई थी, तूने पहनी क्यों नहीं? अच्छा जी, अगर मैं तेरे लिए कल को मंगलसूत्र ले आऊं तो तू पहन लेगी? और भाई पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई नहीं चल पा रही क्योंकि मैंने उसके पैर तोड़ी दिए। दिखा लड़कों की बराबरी करना छोड़ दो लड़कियों, हम कपड़े धोने वाले साबुन से भी नहा लेते हैं।